दूर एडॉप्शन के बाद का जो बेसिक था हमने डिस्कस किया, अब इसके बाद जनरल एंट्रीज की हम बात करने वाले हैं कि हम कौन सी जनरल एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पर। तो पहली एंट्री तो मैं बताने वाला हूँ आपको, प्रेफरेंस शेयर्स का जो कोई कॉल मनी ड्यू है, जो पैसा नहीं मिला, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पैसा वापस करेंगे, भाई पैसा लेंगे उनसे। सपोज जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भैया तुम्हारे अकाउंट में 1,00,000 रुपये है, लेकिन 1,00,000 रुपये वो तब मिलेगा जब आप 1,000 रुपये जो आपकी बैलेंस रहेगा ना, किस्त रहेगी, वो जमा करो। आप क्या बोलोगे कि सर 1,000 रुपये काट लो, 99,000 दे दो, ये तो बोलोगे। मैं बोलूँगा नहीं भाई, पहला अपना सारा का सारा ड्यू क्लियर करो, 1,000 रुपये बैलेंस है उसे कंप्लीट करो, उसके बाद 1,00,000 अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। यही बात कंपनी में भी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या बोला जाता है, जो भी तुम्हारा पेमेंट वगैरह रहता है, कॉल फाइनल कॉल रहती है, वो पहले पैसा लेके आओ, उसके बाद लेके जाओ। तो जो पहली एंट्री हम लिखने वाले हैं, व्हेन फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू। फाइनल कॉल हम ड्यू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले मैंने फाइनल कॉल जो ड्यू थी उसे पहले मांगा गया, अभी रिसीव भी होगा, रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। कोई दिक्कत दो एंट्री में, तो आपने केवल क्या देखा, जो प्रेफरेंस शेयर्स का फाइनल कॉल मांगा नहीं गया था, पहले मांगा गया, सपोज 2 रुपये से है, जो भी है 2 रुपये से पैसा यहाँ भी आएगा, 2 रुपये से पैसा यहाँ भी आ जाएगा। तो 2 रुपये जो रहते हैं भाई, पहले उसे मांग लो, वो पैसा लेके आओ, उसके बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे। नंबर 3, कॉल्स इन एरर अमाउंट रिसीव व्हेन। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें ना, देखो हो सकता है ये वाली एंट्री ना भी करनी पड़े क्वेश्चन में, हो सकता करनी पड़े। मैंने क्या लिखा है, व्हेन कॉल्स इन एरर अमाउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन समझना, कोई पर्सन शेयर होल्डर ऐसा है जो कॉल्स इन एरर नहीं, मतलब कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया था, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो सेकेंड कॉल का हो, कुछ भी। अब मैंने उसको मौका दिया है कि भैया आप तुम्हारा लास्ट टाइम मौका है पैसा लाने का, ठीक है, पैसा लिया आएगा तो तेरा जो भी ड्यू था, वो जो भी कुछ आपका जो बैकअप था वो कंप्लीट हो जाएगा और हम आपका पेमेंट वापस कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी, कॉल्स इन एरर अमाउंट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा बैंक में आ जाएगा, और टू कॉल्स इन एरर। नंबर 2, नंबर 3, अब नंबर 4 एंट्री, व्हेन फ्रेश शेयर्स आर इशूड। आप कुछ नए शेयर्स इशू करते हैं, यहां पर एंट्री बनेगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसा लमसम में आ रहा है तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब 5th एंट्री ड्यू की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR। देखो SPR के आगे मैं स्टार लगा दूं, क्योंकि अगर प्रीमियम पे है तो ही SPR आएगा, अदरवाइज प्रीमियम लगने की जरूरत नहीं है। तो आपने अब तक 5 एंट्री समझी, दोबारा से फील करना। पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर का जो फाइनल कॉल था वो मांगने की एंट्री, फिर रिसीव करने की एंट्री, फिर आपने चेक किया कि कुछ किसी का क्या कॉल्स इन एरर है, जो पैसा आपको नहीं मिला अब तक किसी भी शेयर होल्डर का, उनसे पैसा रिसीव करो, रिसीव करने की एंट्री, फिर आपको जो नए शेयर्स इशू करने हैं, फ्रेश शेयर्स इशू करने की एंट्री, मिलने की एंट्री, पर ड्यू करने की एंट्री। ये 5 एंट्री को पहले कॉपी करो। 6, आपने देखो सबसे पहले क्या देखा, फाइनल कॉल मांगा गया, फाइनल कॉल रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद आपने क्या क्या चीज़ किया, जो कॉल से एरर था उसका पैसा भी आ गया, ठीक है, फ्रेश शेयर्स इशू किए, पैसा आया, फिर आपने ट्रांसफर किया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो हो सकता है पैसा यहाँ से भरपाई नहीं हो पा रही है, तो मुझे असेट्स ही बेचना पड़ेगा। असेट्स आर सोल्ड,
देखो आपने असेट्स बेचा है तो असेट्स या तो हम लॉस पे बेचेंगे या प्रॉफिट बेचेंगे, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले पैसा बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू असेट्स अकाउंट। देखो अगर आपने लॉस पे बेचा है तो प्रॉफिट लॉस को भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं, ये लॉस लिख दो उस जगह। अगर आपने लॉस पे बेचा तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट पे बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो इस एंट्री आपने क्या समझा कि भाई असेट्स हम बेचने वाले हैं तो असेट या तो प्रॉफिट पे बिकेगा या लॉस पे बिकेगा। अगर लॉस पे बिक रहा है तो लॉस को डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट बिका है तो प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ भी स्टार, दोनों में से कोई एक बात करनी है। एंट्री नंबर 7, व्हेन बैंक लोन टेकन। देखो आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। देखो व्हेन सातवीं एंट्री समझ में, सबको बैंक, व्हेन बैंक लोन टेकन, आपने बैंक से लोन लिया है तो उसके एंट्री में समझ में आया। अभी आपने क्या किया, पहले असेट्स बेचा फिर बैंक से लोन ले लिया। इसके बाद एक काम और कर सकते हैं हम, आठवीं एंट्री, व्हेन न्यू डिवेंचर्स आर इशूड। आपने नए डिवेंचर इशू कर दिए तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नंबर 9, ड्यू करने की एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और अगर SPR पे है तो प्रीमियम भी आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर देखो लॉस पे आपने इशू किया है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों में से कोई एक बात समझना, अगर SPR पे है तो SPR वर्ड आएगा, अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट वर्ड आएगा, ये नहीं दोनों लिख देना, सिर्फ एक वर्ड लिखना है। और अगर आपने देखो डिवेंचर्स में आपने पढ़ा था क्लास 12th में भी, ध्यान होगा डिवेंचर इशू तो प्रीमियम पे इशूड हुआ था, हाँ डिवेंचर इशूड एट पार चाहे प्रीमियम चाहे डिस्काउंट, लेकिन रिडक्शन के लिए दो केस होते हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम। अगर एट प्रीमियम है तो उसके लिए आपको एंट्री अभी करनी पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये जब हो तभी लगाना है, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 9 तक कॉपी करूं। तो एंट्री नंबर 10, देखो अब हम जो 10 की बात करेंगे इससे पहले आपको दोबारा बता दूं, अब तक हमने क्या क्या सीख चुके हैं। आपने देखा शेयर्स इशू किए, डिवेंचर्स को इशू करना पड़ा, असेट्स बेच दिया, कॉल्स इन एरर था उसका पैसा भी ले लिया, कुछ कॉल्स मांगनी थी उनसे ही पैसा मांगा गया, सारा पैसा हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू कर रहे हैं। तो व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो ये स्टार लगा रहा हूं, अगर प्रीमियम हुआ तो ही लिखना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर प्रीमियम नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, अगर है तो ही लिखा जाएगा। और अगर सपोज प्रीमियम है तो एंट्री नंबर 11, अगर प्रीमियम है तो उसकी एंट्री SPR अकाउंट डेबिट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अगर कोई भी रिजर्व वगैरह होगा एनी, टू प्रीमियम ऑन रिडक्शंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
देखो जो भी ये पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है उस पैसे को हम कहाँ से यूज़ करेंगे, आपको मैंने बताया था अभी भी, क्या बताया था बेटा, SPR से जाएगा, और SPR से अगर कम पड़ रहा है तो आपके पास अदर रिजर्व भी होंगे, वहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एंट्री नंबर 10 और एंट्री नंबर 11, एंट्री नंबर 12 क्रिएशन ऑफ CRR। अब हम CRR क्रिएट करेंगे, रिजर्व्स या जो भी सरप्लस हुआ डेबिट टू CRR। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट में से है तो वो क्या मेंटेन करना पड़ेगा, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एंट्री नंबर 13 पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप पेमेंट करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा देखो बैंक से जा रहा है, जब पैसा बैंक से जाएगा तो असेट्स कम होगा, और असेट्स कम होता तो किधर आती बात होती है, क्रेडिट साइड होती है। एंट्री नंबर 14, देखो अब तक अपने सब कुछ देख लिया, प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू किया पेमेंट के लिए, क्रिएशन ऑफ CRR, प्रीमियम की बात करी, पेमेंट भी कर दी, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो अपने CRR मेंटेन किया उसका पैसा हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए, बताया था मैंने आपको अभी। तो लास्ट एंट्री, देखो क्वेश्चन में अगर होगा बोनस शेयर की बात तभी हम करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इशू ऑफ बोनस शेयर, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, हो तो ही करना अदरवाइज मत करना। देखो बोनस शेयर में क्या लिखेंगे, CRR अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा पैसा आप CRR का यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर के लिए। रिजर्व सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा एनी, और टू बोनस शेयर, टू बोनस शेयर। ये एंट्री नंबर 14, अब एंट्री नंबर 15। दोस्त बोनस शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल, यहां एंट्री बन जाएगी बोनस शेयर अकाउंट डेबिट, यहां क्रेडिट हुआ यहां डेबिट हो जाएगा, और पैसा कहां चला जाएगा, कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो ये तभी करना जब बोनस शेयर की बात करेंगे। तो एंट्री नंबर 15 लास्ट एंट्री थी इस कॉन्सेप्ट की, तो किसी बच्चे को डाउट तो मुझे बता सकता है। तो देखो जो बच्चा वीडियो में देखता है मुझसे बार बार कहता हूँ बेटा आप कमेंट क्या करो, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, इसे चैनल आप बच्चों के लिए बनाया गया है। तो जो भी बच्चा हो इस कॉन्सेप्ट में, किसी को डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना हो, आप सिर्फ कमेंट कर दें, आपको तुरंत जवाब दूंगा। तो फटाफट से नोट करो।